से लेके 100 तक टेबल याद करने की एक बहुत ही ज्यादा इजी ट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के बताऊंगी और उनके आंसर्स मैं अभी आपको खुद दूंगी, और इतनी जल्दी आपको आप देख के सच में इम्प्रेस हो जाओगे और आप भी ये सब ट्रिक सीख जाओगे। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 54 into 5 एंड 27 into 3। ओके, तो मैं अभी आपको इनका आंसर्स बताती हूँ। देखा मैंने कितनी जल्दी इन सबका आंसर दे दिया है। तो आप भी इसी तरीके से बहुत जल्दी आंसर देंगे, तो जानते हैं इसकी ट्रिक। तो मैं इन्हें रफ कर देती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस दूंगी और उसके बाद हम लेंगे आपका टेस्ट, जिसमें आप पता चलेगा कि आप भी कितनी जल्दी ये सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ 55 into 7, 29 into 4। तो इन सब का हम अभी जानेंगे ट्रिक। तो आपको इन दोनों को तोड़ के अपने माइंड में सोचना है हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं 50 + 5। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ 50 + 5। ओके, तो हमने 55 को तोड़ा तो आ गया हमारा 50 + 5। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, तो 57 जा होगा 350 और 57 जा होगा 35। अभी हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 50 + 35 होगा हमारा 385। ओके, तो इसका आंसर आ गया हमारा 55 into 7 = 385। देखा कितनी इजी ट्रिक थी ये। मैं आपको एक बार रिपीट करा देती हूँ। हमें सबसे पहले 50 इसको तोड़ लिया हमने 50 + 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया 7 से, 50 × 7 350, 5 × 7 35। फिर उसके बाद हम दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 385। ओके, तो अब करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को भी तोड़ लूंगी, तो मैं इसको अभी रफ कर देती हूँ। ओके, मैंने इन्हें रफ कर लिया। अभी मैं इनका आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 20 + 9। अभी आपको 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंटू 4 और इधर भी इंटू 4। तो 20 × 4 = 80, 9 × 4 = 36। दोनों को ऐड करेंगे तो 80 + 36 तो हो जाएगा हमारा 106। देखा हमारा आंसर इसका भी आ गया, जो कि बहुत ज्यादा इजी था। मैं आपको एक और बार रिवाइज करती हूँ, करा देती हूँ, ताकि आपको ये ट्रिक याद रहे। पहले हम इन दोनों को तोड़ लेंगे इस तरीके से 20 + 9, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों के आंसर तो हमारा 20 × 4 हो जाता है 80, 9 × 4 होता है 36। अभी हम इन दोनों को ही ऐड कर लेंगे जो कि होता है हमारा 106, तो इसका आंसर आ गया हमारा 106। ओके गाइस, तो अब मैं आपको दूंगी कुछ क्वेश्चंस जिन्हें आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट्स में सेंड करेंगे, तो मैं इन सबको रफ कर देती हूँ। ये मैंने कर लिए सारे क्वेश्चंस रफ, तो मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ। 27 × 5 एंड 32 × 4।
आप जल्दी से इनके आंसर्स मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको इनका आंसर बता देती हूँ। आप मेरे को बाद में आंसर भेज दीजिएगा कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं, तो हम इन दोनों को तोड़ लेंगे। मैं यहाँ पर साइड में आपको लिख के बता रही हूँ, 20 प्लस 7, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5, ठीक है? तो 25 जो होता है हमारा 105, और हाँ 105, एंड ये हो जाएगा हमारा 7 5 जो हो जाएगा 35, दोनों का हम ऐड करेंगे तो 105 प्लस 35 होता है हमारा 140। तो इसका आंसर मेरा 140, तो आपका भी आंसर अगर 140 आ रहा है तो मेरे को कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो अब जानते हैं इसका आंसर, तो मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ 140। तो इसका अब हम बताएंगे आंसर, तो इसको मैं हरफ कर देती हूँ। तो 32 को हम तोड़ लेंगे तो हमारा बन जाएगा 30 प्लस 2, 30 प्लस 2 इंटू 4, ये भी इंटू 4, दोनों को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा 34 ज़ा 120 और 24 ज़ा 8, दोनों को करेंगे ऐड तो आ जाएगा हमारा 128। तो देखा कितना इजी था ये निकालना, तो इसका भी आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ 128। तो मैं इन सबको रफ कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको दूं, अभी हमने देखे थे कुछ लो लेवल के क्वेश्चंस, तो अब मैं आपको देने वाली हूँ थोड़े से ज्यादा बड़े लेवल के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 85 इंटू 9, 85 इंटू 9 एंड 99 इंटू 8, तो इन्हें भी हमें उसी ट्रिक से करना है। तो मैं इसको भी तोड़ लूंगी, यहां पर मैं साइड में लिख रही हूं 80 प्लस 5, 80 प्लस 5, अब दोनों को करेंगे हम 9 से मल्टीप्लाई, 9 से कर लेंगे हम दोनों को मल्टीप्लाई, तो 89 जा हो जाएगा हमारा 720। फिर उसके बाद 5 9 जा हो जाएगा 45, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 765। तो ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, तो 85 इंटू 9 इक्वल्स टू 765। देखा मैंने कितनी जल्दी निकाली है, तो आप भी इसी तरीके से बहुत जल्दी निकाल लेंगे इसका आंसर, और आप ये 1 to 100 बहुत सारे नंबर्स में कर सकते हैं। मैं आपको इसके बाद और भी कई नंबर बताऊंगी, तो मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख के आपको दे देती हूँ 765। ओके 765, अब मैं इसको रफ कर देती हूँ। ओके तो अब हम निकालते हैं 99 इंटू 8 का आंसर, तो हम 99 को तोड़ लेंगे तो हम इसे लिखेंगे 90 प्लस 9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से इंटू 8 to 8, ठीक है? 98 जा, तो 98 जा हमारा हो जाएगा 720। फिर हो जाएगा 98 जा 72, ठीक है 72, दोनों को करेंगे ऐड तो इसको ऐड कर देते हैं हम 792। तो ये हमारा आंसर 99 इंटू 8 का 792। तो मैं आपको सॉरी यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ 792। तो ये था इन दोनों का आंसर, कितना इजी था ना इनका आंसर निकालना भी, तो आप भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे 1 से लेके 100 तक टेबल याद करने की एक बहुत ही ज्यादा इजी ट्रिक, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस
लिख के बताऊंगी और उनके आंसर्स मैं अभी आपको खुद दूंगी, और इतनी जल्दी आपको आप देख के सच में इम्प्रेस हो जाओगे और आप भी ये सब ट्रिक सीख जाओगे। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 54 इंटू 5 एंड 27 इंटू 3। ओके, तो मैं अभी आपको इनका आंसर्स बताती हूँ। देखा मैंने कितनी जल्दी इन सबका आंसर दे दिया है, तो आप भी इसी तरीके से बहुत जल्दी आंसर देंगे, तो जानते हैं इसकी ट्रिक। तो मैं इन्हें रफ कर देती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस दूंगी और उसके बाद हम लेंगे आपका टेस्ट, जिसमें आप पता चलेगा कि आप भी कितनी जल्दी ये सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ 55 इंटू 7, 29 इंटू 4। तो इन सब का हम अभी जानेंगे ट्रिक। तो आपको इन दोनों को तोड़ के अपने माइंड में सोचना है हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं 50 प्लस 5। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ 50 प्लस 5। ओके, तो हमने 55 को तोड़ा तो आ गया हमारा 50 प्लस 5। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, तो 57 जा होगा 350 और 5 7 जा होगा 35। अभी हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 50 प्लस 35 होगा हमारा 385। ओके, तो इसका आंसर आ गया हमारा 55 इंटू 7 इक्वल्स टू 385। देखा कितनी इजी ट्रिक थी ये। मैं आपको एक बार रिपीट करा देती हूँ। हमें सबसे पहले 50, इसको तोड़ लिया हमने 50 प्लस 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया 7 से, 50 मल्टीप्लाई बाय 7 350, 5 इंटू 7 35। फिर उसके बाद हम दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 385। ओके, तो अब करते हैं हम हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को भी तोड़ लूंगी, तो मैं इसको अभी रफ कर देती हूँ। ओके, मैंने इन्हें रफ कर लिया। अभी मैं इनका आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 20 प्लस 9, 20 प्लस 9। अभी आपको 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंटू 4 और इधर भी इंटू 4। तो 20 इंटू 4 इक्वल्स टू 80, 9 4 जा 36। दोनों को ऐड करेंगे तो 80 प्लस 36 तो हो जाएगा हमारा 106। देखा हमारा आंसर इसका भी आ गया, जो कि बहुत ज्यादा इजी था। मैं आपको एक और बार रिवाइज करती हूँ करा देती हूँ ताकि आपको ये ट्रिक याद रहे। पहले हम इन दोनों को तोड़ लेंगे इस तरीके से 20 प्लस 9, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों के आंसर तो हमारा 20 इंटू 4 हो जाता है 80, 9 इंटू 4 होता है 36। अभी हम इन दोनों को ही ऐड कर लेंगे जो कि होता है हमारा 106। तो इसका आंसर आ गया हमारा 106। ओके गाइस, तो अब मैं आपको दूंगी कुछ क्वेश्चंस जिन्हें आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट्स में सेंड करेंगे, तो मैं इन सबको रफ कर देती हूँ। ये मैंने कर लिए सारे क्वेश्चंस रफ, तो मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ। 27 इंटू 5 एंड 32 इंटू 4। तो आप जल्दी से इनके आंसर्स मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको इनका आंसर बता देती हूँ। आप मेरे को बाद में आंसर भेज दीजिएगा।
कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं, तो हम इन दोनों को तोड़ लेंगे। मैं यहाँ पर साइड में आपको लिख के बता रही हूँ, 20 + 7 दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5, ठीक है। तो 25 जो होता है हमारा 105, और हाँ 105, एंड ये हो जाएगा हमारा 75 का हो जाएगा 35। दोनों का हम ऐड करेंगे तो 105 + 35 होता है हमारा 140। तो इसका आंसर मेरा 140। तो आपका भी आंसर अगर 140 आ रहा है तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो अब जानते हैं इसका आंसर। तो मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ 140। तो इसका अब हम बताएंगे आंसर, तो इसको मैं हरफ कर देती हूँ। तो 32 को हम तोड़ लेंगे तो हमारा बन जाएगा 30 + 2 into 4, ये भी into 4, दोनों को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा 34 = 120 और 2 4 = 8, दोनों को करेंगे ऐड तो आ जाएगा हमारा 128। तो देखा कितना इजी था ये निकालना। तो इसका भी आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ 128। तो मैं इन सबको रफ कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको अभी हमने देखे थे कुछ लो लेवल के क्वेश्चंस, तो अब मैं आपको देने वाली हूँ थोड़े से ज्यादा बड़े लेवल के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 85 into 9 एंड 99 into 8। तो इन्हें भी हमें उसी ट्रिक से करना है, तो मैं इसको भी तोड़ लूंगी। यहाँ पर मैं साइड में लिख रही हूँ 80 + 5। अब दोनों को करेंगे हम 9 से मल्टीप्लाई, 9 से कर लेंगे हम दोनों को मल्टीप्लाई। तो 89 का हो जाएगा हमारा 720। फिर उसके बाद 59 का हो जाएगा 45, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 765। तो ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो 85 × 9 = 765। देखा मैंने कितनी जल्दी निकाली है, तो आप भी इसी तरीके से बहुत जल्दी निकाल लेंगे इसका आंसर। और आप ये 1 to 100 बहुत सारे नंबर्स में कर सकते हैं। मैं आपको इसके बाद और भी कई नंबर बताऊंगी। तो मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख के आपको दे देती हूँ 765। ओके 765। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ। ओके तो अब हम निकालते हैं 99 × 8 का आंसर। तो हम 99 को तोड़ लेंगे तो हम इसे लिखेंगे 90 + 9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 8 = 8। ठीक है, 98 जा, तो 98 जा हमारा हो जाएगा 720। फिर हो जाएगा 98 जा 72, ठीक है 72, दोनों को करेंगे ऐड। तो इसको ऐड कर देते हैं हम 792। तो ये हमारा आंसर 99 × 8 का 792। तो मैं आपको सॉरी यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ 792। तो ये था इन दोनों का आंसर। कितना इजी था इनका आंसर निकालना भी, तो आप भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं।